स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सब लोग पहले से जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड के बायोलॉजी की क्लासेस कर रहे हैं। क्लास टेंथ की बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे। श्वसन का एक वीडियो हो गया था जिसमें हमने आउटलाइन डायग्राम आपको बताया था श्वसन क्या होता है, श्वसन किस प्रकार से होता है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में विशेष अंतर क्या होता है, श्वसन को क्या हम सेलुलर एक्सपायरेशन कहते हैं यानी कोशिकीय श्वसन कब कहते हैं, इन सभी तथ्यों पे हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर ली। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। हालांकि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो इसमें इन सब बातों को हम एक बार दोबारा रिपीट करते रहेंगे, बीच बीच में आता रहेगा बता देंगे। तो आज हम श्वसन के स्पेसिफिक फेज की तरफ आगे बढ़ेंगे और श्वसन में कुछ बातों को और आगे जानेंगे। जैसे कि श्वसन से मैंने उस दिन आपसे बताया था, श्वसन में हमें क्या होता है, ऊर्जा की प्रॉफिट होती है, ऊर्जा का लाभ होता है। तो ऊर्जा का लाभ जो होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कैसे जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है तब भोजन टूट करके हमको क्या देता है, जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है भोजन टूट करके हमको क्या देता है, और ऑक्सीजन जब उपस्थित नहीं होता यानी हमारे शरीर में तो हमारी मांसपेशियों में क्या परिवर्तन आते हैं, इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करें। इससे पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल पे ही सीबीएसई बोर्ड की बायोलॉजी चलती है उसे आप देखिए, एनसीईआरटी के बेस पे जो बुक चलती है उनको पढ़ाया जाता है, आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए हम आपके साथ उपस्थित हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आज कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले सबसे पहले समझते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ठीक है, किसको समझते हैं, ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का टूटना। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस, अब इसमें क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट करके हमको ऊर्जा देता है। हम भोजन क्यों करते हैं, हमारे भोजन करने का या हम जो फूड इंटेक करते हैं न्यूट्रिशन करने का एक ही पर्पज होता है, उससे हमें ऊर्जा चाहिए और कोई मतलब नहीं होता है, ऊर्जा चाहिए। अब ये अलग की बात है, ये विडंबना है कि कुछ खा के मर रहे हैं कुछ खाने के बगैर मर रहे हैं, ये विडंबना है। कुछ खा इतना ज्यादा खा लेते हैं सुबह उसे पचाने के लिए दवा खाते हैं और कुछ भूख से मर रहे हैं, तो ये देश की कुछ विडंबना है, यहाँ के सिस्टम की कुछ विडंबना, ये दूसरा मैटर है। लेकिन हर एक प्राणी चाहे वो छोटा सा छोटा कीट हो या बड़ा से बड़ा एलिफेंट हो, सब में हर एक प्रकार के प्राणी में भोजन लेने का एक ही मतलब होता है कि वह उससे ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। क्लियर। अब जब हम जीवित रहेंगे तभी तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, जब हम मर जाते हैं तो ऊर्जा की कोई आवश्यकता तो है नहीं। मर जाने के बाद क्या करेंगे यार, चार लोग उठा के ले जाएंगे, दफना देंगे चाहे जला देंगे, तो मर जाने के बाद ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है वो काम करना बंद कर दिया। मर जाने के बाद पहला लक्षण क्या होता है, हम सांस को ही चेक करते हैं, सांस आ रही कि गया काम से, अगर सांस आ रही तब तो ठीक, अगर नहीं आ रही तो फिर उसका राम नाम सत्य होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम जान जाते हैं कब इसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा, अब उसको कितना भी अच्छा हम भोजन खिलाते हैं वो डाइजेस्ट होने वाला नहीं है, यानी भोजन को लेने के बाद भोजन के पचाने में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो बात समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए कि भोजन को ग्रहण करने के बाद उसे डाइजेस्ट करने में, उसे पचाने में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तब तो भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है, सुचारू रूप से होता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर भोजन में ऑक्सीजन नहीं है यानी आपके शरीर में ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो भी भोजन का पाचन होता है, लेकिन वो कुछ सूक्ष्म जीवों होता है जैसे कि बैक्टीरिया में, वायरस में इत्यादि में। क्लियर, उसके बारे में भी बताएंगे। और आपके शरीर में कभी कभी क्या होता है कि शरीर में भी लैक्टिक एसिड यानी ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन वहां पे एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है यानी अनाक्सी श्वसन क्रिया होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने से पहले हम श्वसन के दो भाग को पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ेंगे। श्वसन के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। श्वसन के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ऑक्सी श्वसन, जिसके पहले वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो इसके बारे में थोड़ा हमने बताया था आपको, और दूसरा होता है अनाक्सी श्वसन, इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में एरोबिक रिस्पायरेशन, और इसको कहते हैं एन एरोबिक रिस्पायरेशन। अब यहां पे बातों को समझने की कोशिश करिए, ऑक्सी श्वसन मतलब ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है
और अनाक्सी श्वसन ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, बस दो लाइन का है। अब इसे आप अपने भाषा में बढ़ा चढ़ा कैसे लिखेंगे उसे हम ग्लाइकोलाइसिस में बता रहे हैं। तो होता क्या, जब आप लिखेंगे पहले ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखना शुरू करेंगे, आपको नोट्स हम नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, जल्द ही हम आपके लिए नोट्स की व्यवस्था करा रहे हैं, जल्द ही नोट्स हम आपको दे देंगे। हम लिख रहे हैं बस उसका पीडीएफ नहीं बन पा रहा है, हमारी राइटिंग आप देखे हैं कितनी अच्छी है, तो कॉपी पे और अच्छी हो जाती थी, आपको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम उसका पीडीएफ बना रहे हैं, बहुत जल्दी हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो बात हम कह रहे थे कि श्वसन को पहले लिखेंगे, श्वसन में लिखेंगे, श्वसन एक प्रकार की क्रिया है जो हमारे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, जिससे इन दोनों प्रक्रिया में ऑक्सीजन के ग्रहण होने और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की प्रक्रिया के बावजूद हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा की प्रॉफिट होती है, यानी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें गैसों के एक्सचेंज से या गैसों के अदलाव बदलाव से हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे श्वसन कहते हैं। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक को हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं, दूसरे को अनाक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन का मतलब होता है वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है, अनाक्सी श्वसन वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी नहीं है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के भी श्वसन होता है। अब ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है तो उसके बारे में आप बताएंगे कौन कौन से ऐसे जीव हैं जहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है, ठीक है, आप लिख पा रहे हैं ना, ऑक्सी श्वसन आप लिखेंगे, ऑक्सी श्वसन तो उसमें लिखेंगे कि ऑक्सी श्वसन उस श्वसन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। यह श्वसन मुख्यतः इन प्राणियों में पाया जाता है, जैसे कि किसमें पाया जाता है ऑक्सी श्वसन, तो आप लिख देंगे किसमें पाया जाता है, जल्दी से बताइए भाई, बताइए जल्दी करिए, ऑक्सी श्वसन किसमें पाया जाता है, जैसे कि जलीय जीव की बात कर लें तो जलीय जीव में मछली में पाया जाता है, ठीक, और किसमें पाया जाता है, मेंढक में पाया जाता है, और किसमें पाया जाता है, और भी बहुत सारे जलीय जीव होते हैं सब में पाया जाता है, और अगर स्थलीय जीवों की बात कर लें तो गाय भैंस बकरी घोड़ा हाथी, ठीक है, गाय में भैंस में बकरी में घोड़ा हाथी इंसान में ठीक, बंदर में, छोटे छोटे जानवरों की बात कर लें जैसे कि कीट में, सब में पाए जाते हैं, क्लियर। तो बात आती है सर अनाक्सी श्वसन कहां पाया जाता है, जब आप सबको काउंट करा दे रहे हैं तो अनाक्सी श्वसन कहां पाया जाता है उसको बता रहे हैं, अनाक्सी श्वसन कहां पाए जाते हैं, अनाक्सी श्वसन पाया जाता है बैक्टीरिया में, किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में, कवक में, ठीक, अनाक्सी श्वसन पाया जाता है। अनाक्सी श्वसन कभी कभी हमारे शरीर की मांसपेशियों में भी पाया जाता है, यहीं पर आप लिखेंगे अनाक्सी श्वसन और कहां पाया जाता है, और यह मांसपेशियों में पाया जाता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है, पाया जाता है, किसके मांसपेशियों में पाया जाता है, समस्त जीवों के मांसपेशियों में पाया जाता है, समस्त जीवों के मांसपेशियों में अगर ऑक्सीजन उपस्थित हो जाता है तो कभी कभी ऐसी कंडीशन में पाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कभी कंडीशन आती है उसको बताऊंगा, फिर ग्लाइकोलाइसिस पे चलते, क्लियर, आप समझ पा रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो परेशान मत होइए, चीजों को धीरे धीरे करना सीखिए। जैसे क्या होता है कि आपको ये लग रहा है कि आपका तो अगस्त आ गया अभी तक आपका कोर्स, तो मैंने आपसे कहा ना कि कोर्स को आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, बस परेशान मत होइए, परेशान होने से क्या होगा कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं चिंता मैथ की लगी रहेगी, ना बायोलॉजी समझ में आएगी ना तो मैथ समझ में आएगा, मैथ पढ़ रहे हैं चिंता साइंस हिंदी की लगी रहेगी तो ना हिंदी समझ में आएगी मैथ की, जो काम कर रहे हैं प्रेजेंट मोशन में रहिए, उसी काम को समझिए, उसी काम को करिए। एक बैग हम खत्म कर सकते हैं, मान लीजिए हम 8 साल 5 साल से पढ़ा रहे हैं, मुझे याद है, ठीक है, मैं एक बैग जल्दी जल्दी खत्म कर दूं, लेकिन आपके लिए तो नया है, ऐसी कंडीशन में मेरे खत्म करने से खत्म नहीं होने वाला है, आपको समझ में आना चाहिए, और आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इसका जवाब कहां पता चलता है, जब आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं और आप बताते नहीं तो आप बता दिया करिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं, और अपने दोस्तों को शेयर करने में इतना ज्यादा बुराई नहीं है, आप शेयर कर सकते हैं, आपको लगेगा कि किसी को आप अच्छी चीज प्रदान कराएंगे तो आपको लाभ होगा उससे,
उसकी दुआएं आपको मिलेंगी, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भेजिए, आपको दुआएं मिलने वाली। तो बात कर रहे थे, यह बैक्टीरिया में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है, और कहां पाया जाता है? ऑक्सीजन जब अनुपस्थित होता है हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं नहीं, आगे बढ़े। हाँ, तो अब क्या होता है कि हमने ये समझ लिया कि श्वसन क्या होता है। श्वसन उसे कहते हैं जो गैसों के आदान प्रदान से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे श्वसन कहते हैं, या इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। आपको लिखना इतना ही है जितना हम बोल रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे आपसे मान लो लांग में क्वेश्चन पूछ लिया गया तो उसे बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ता, बना के लिखना पड़ता, तो कैसे होता वो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे बढ़े। अब आपकी हेडिंग आती है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है इसे जानना है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाना, ठीक। अब आपने सेल तो पढ़ा ही होगा, याद है आपको, आपने कोशिका पढ़ी थी पिछले साल। तो जब कोशिका पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कोशिका के ये सबसे ऊपर जो होती है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर का जो हिस्सा होता है, अंदर का जो हिस्सा होता है, उस हिस्से को जो ये अंदर का हिस्सा है ये फैला हुआ है, इसमें बहुत सारे द्रव्य फैले हुए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जल्दी बता दीजिए, साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक। इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, पूरा सेल को भरा होता है अंदर से, ठीक। एक सेकेंड, अब एक कोशिका द्रव्य हो गया, और इसी कोशिका द्रव्य के इसके सेंटर में क्या पाया जाता है? आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइन दिखा दीजिए। न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और इसी में बहुत सारी मात्रा में फैली हुई आपकी क्या पाई जाती है? तो कितने लोग डायग्राम बना पाते हैं थोड़ा बताइएगा। तो माइटोकांड्रिया का क्या पाई जाती है? माइटोकांड्रिया पाई जाती है, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें तो आप नाइन्थ में पढ़े थे, अब इसमें समझना क्या है उसे हम बता रहे हैं। जब क्या होता है कि हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारी सेल के द्वारा क्या होता है? सोखा जाता है। आपने पढ़ा पाचन, इसके पहले के दो वीडियो पहले मैंने आपको पाचन पढ़ाया था। पाचन में मैंने आपसे बताया था कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन का पाचन हमारे मुख से स्टार्ट हो जाता है, और मुख से स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, वो पेट में जाता है, पेट में उसका पूरी तरह से पाचन हो जाता है। जब पूरी तरह से उसका पेट में पाचन होता है तो पचा हुआ भोजन आपके कहां जाता? आंत में जाता, छोटी इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता, छोटी आंत में। छोटी आंत में वो भोजन क्या होता है कि रुकता नहीं है, बल्कि वहां पे जो उपस्थित उसमें यूजफुल पदार्थ होते हैं, उपयोगी पदार्थ होते हैं, उसे कोशिका द्वारा अवशोषित कर लिया जाता, सोख लिया जाता है। और ये सोखने की क्रिया क्या होती है? वहां पे एक विली नामक आर्गन पाया जाता है जो ये काम करता है, एक छोटा सा अंग होता है जिसे विली कहते हैं, और वह एक काम करता है, उसे सोख लेता है, ठीक। अब जो ऊर्जा सोख ली जाती है उसी ऊर्जा का एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मतलब जानते हैं, उसे शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है। अब शरीर के अन्य हिस्सों में तो बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, जब कोशिकाओं तक उन्हें पहुंचा दिया जाता है, और साथ में क्या होता है कि उन्हें बाद में ऑक्सीजन को भी रक्त के माध्यम से वहां तक पहुंचा दिया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? पहले भोजन को ब्लड ले गया और ब्लड ही ऑक्सीजन को ले गया, जब उन दोनों को कोशिकाओं तक पहुंचा दे, जैसे कि सपोज करिए कि यहां पे है कोई भोजन है, ये मान लीजिए भोजन सपोज कर लीजिए, और ये है इसमें छोटा छोटा ऑक्सीजन, ठीक। और ये दोनों बहता हुआ किसमें बह रहे हैं? दोनों ये ब्लड है, और ब्लड के माध्यम से बहता हुआ किसमें आ गया? इस कोशिका में प्रवेश कर गया, क्लियर। कोशिका में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ? अब रक्त तो सीधा घुसेगा नहीं, रक्त आकर के इसमें ऑक्सीजन दे करके और भोजन के मॉलिक्यूल को देकर के रक्त तो चला जाएगा। जब भोजन का मॉलिक्यूल इसमें प्रवेश किया, मान लो भोजन के मॉलिक्यूल में क्या हमने खाया था? हमने मान लो कि प्रोटीन खाया था, तो अमीनो एसिड मिल गया। क्या मिल गया? अमीनो एसिड। अब आप बताएंगे अमीनो एसिड कहां से आया? बताइए भाई, अमीनो एसिड कहां से आया? याद करिए, जब हमने फिर से दूसरा वीडियो पढ़ा पाचन के बाद, कि सहायक ग्रंथियां और उसके हार्मोन, उसके एंजाइम, सॉरी सहायक ग्रंथियां और उसके एंजाइम या और उसके कार्य, तो जो हमने इस वीडियो को पढ़ा है, तो उस वीडियो में हम बताएं आपको कि कैसे ग्लूकोज टूटता है, कैसे प्रोटीन टूटता है, कैसे अपने छोटे छोटे घटकों में टूट जाते थे, इसका चर्चा हमने किया।
तो जब पाचन हुआ तो सब तो टूट चुके थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते जाते सब टूट चुके। अब टूटने बाद क्या हुआ, अब रक्त उन्हें पहुंचा रहा है, पहुंच गए। जब वो पहुंच गए तो पहुंचने के बाद क्या होता है कि जाते हैं किस में घुस गए, शरीर में, सेल में। और जैसे ही सेल में घुसे, आप सिर्फ अमीनो एसिड थोड़ी ना आया, हर एक न्यूट्रिएंट आए होंगे। सेल में घुसने के बाद साइटोप्लाज्म क्या काम करता है, इनको तुरंत पकड़ लेता है, कटा दो। और जैसे पहुंचते हैं इनपे फंक्शन करना शुरू कर देता है, यानी इन्हें तोड़ना शुरू कर देता है। तोड़ करके उसे ऊर्जा बनानी है, क्या काम करता है, जैसे मान लो हमने ग्लाइकोलाइसिस में अमीनो एसिड, मान लो हम किसको उदाहरण ले लेते हैं, अमीनो एसिड थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इसका केमिकल फार्मूला, आसान फार्मूला कोई लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ले लेते हैं, ठीक है। आगे इंटेक में इसको पढ़िएगा, अभी आपको इलेवंथ में मिलेगा, अभी आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ लीजिए, आपको कार्बोहाइड्रेट पे ही उदाहरण आएगा। कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज को ले लेते हैं, ठीक। हमने किसको ले लिया, ग्लूकोज को। जब ग्लूकोज इसमें आया तो ग्लूकोज आप जानते हैं कितने मॉलिक्यूल होते हैं, C6H12O6, ये इसका फार्मूला होता है। जब इसका फार्मूला यह है तो आप जानते हैं कि कार्बन जैसे ही इसमें प्रवेश किया, साइटोप्लाज्म को पकड़ कर आ जाओ, जल्दी आओ, और इन्हें पकड़ करके क्या काम करता है, पायरूबिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है, पायरूबिक एसिड बना देता है, और यही ग्लूकोज टूट जाते हैं। पायरूबिक एसिड का फार्मूला ये होता है CH3CH CHO। एक सेकंड रुक जाइए, मैच करने नहीं, दो यहां हाइड्रोजन नहीं रहेगा, सॉरी, ठीक। ये होता है पायरूबिक एसिड, इसे क्या कहते हैं, पायरू, पायरूबिक एसिड, ठीक। फार्मूला याद करिए, CH3C, उसके बाद नीचे O हो जाएगा, डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और OCOH, ठीक। अब ये क्या होता है, जिसमें जब आप एसिड बेस पढ़ेंगे तो हम आप बताएंगे, जिसमें OH पाया जाता है, ये OH किसको दिखाता है, एल्कोहल ग्रुप को दिखाता है। OH जब लगा दिया जाता है, ROH एल्कोहल का फार्मूला होता है, ROH, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, एल्कोहल हो जाता है, इसके पहले का जो कंपोनेंट है ही, उसके आगे OH लग गया, यानी ये एल्कोहल हो गया। एल्कोहल मतलब कि ये एसिड हो गया, हमने तो ग्लूकोज खाया था। अच्छा, यहां पे चीज देखिए, यहां पे ग्लूकोज में आप देख रहे हैं कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है, 6। समझ पा रहे नहीं, कार्बन कितने मॉलिक्यूल है, 6, क्लियर। जैसा भी आपको समझ में आएगा वैसा आप बता दीजिए कमेंट में, इसको और तोड़ के और आसानी से बताया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप पीसी बेस से समझ लें बहुत अच्छा होगा। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं कार्बन की मॉलिक्यूल कितना संख्या, वैल्यू 6 है, समझ पा रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां पर काउंट करिए, 1, 2, 3 कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन, एक कार्बन नहीं, एक ऑक्सीजन है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। यानी जो 6 मॉलिक्यूल का ग्लूकोज था वह टूट करके 3-3 मॉलिक्यूल के 2 पायरूबेट आयन बना लिया, क्या बना लिया, 2 पायरूबिक एसिड बना लिया, क्या बनाया, 2 पायरूबिक एसिड। यानी अभी हमारे पास क्या था कि कितना बड़ा चाक था, हमने इसे क्या काम किया, 20 से तोड़ दिया, सपोज करो, चलो आप लोगों के तोड़ ही देते, तोड़ दिया तो क्या हुआ, 2 छोटे छोटे क्या हो गए हमारे पास, 2 बन गए, ठीक। अब यह मॉलिक्यूल छोटा हो गया, इसकी तुलना में क्या होगा, छोटा होगा, भले फंक्शन हुआ लेकिन हो गया छोटा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां पे जब एसिड बन जाती है तो एसिड कहां पे, ये काम कहां होता है, पायरूबिक एसिड बनना, ये होता है साइटोप्लाज्म में, कहां होता है, साइटोप्लाज्म में इतना काम हो जाता है, साइटोप्लाज्म में इतना काम हो गया। अब साइटोप्लाज्म में इतना काम होने के बाद अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो ये जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा यानी अनाक्सी शोषण होगा तो ये इसी में इनका काम पूरा हो जाएगा। अब इन्हीं चीजों को हम कहां पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, उसके लिए एक आउटलाइन हमको डायग्राम खींचना पड़ेगा, जिसके लिए हम इन सबको इरेज करने वाले, मिटाने वाले हैं, ठीक। अब आप बात समझ गए यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, अब बात समझिए आगे, देखिए हुआ क्या, ग्लाइकोलाइसिस हमने किसको लिया था, ग्लूकोज को, फार्मूला क्या था, C6H12O6, यह टूटा किसमें, साइटोप्लाज्म में, समझ गए कहां टूटा था, साइटोप्लाज्म में, क्लियर, साइटोप्लाज्म में टूट गया। तो साइटोप्लाज्म में जब टूटा तो इसमें मॉलिक्यूल क्या बने, जल्दी बता दिए, CH3COOH और O,
क्लियर, जिसे आप यहां पे लिख भी सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज इसको क्या कहते हैं, यहां साइटोप्लाज्म सीधा आ जाएगा, और इसको क्या कहते हैं पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं ना, कहां टूट रहा, साइटोप्लाज्म में। अब क्या हुआ कि यहीं पे तीन घटनाएं होंगी, कौन सी तीन घटनाएं होने वाली है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप यही याद कर लिए तो समझ लीजिए कि एक नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का है, यहां से मिलेगा भी और आप आराम से कर ले जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम जानते हैं कि आप तो हमसे जुड़ने वाले जो लोग हैं बहुत तेज हैं और वो सब बात को बड़े आसानी से समझ जाते हैं, बस खाली शेयर करने वाली बात नहीं समझ पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो यहां पे क्या हुआ कि अगर ऑक्सीजन उपस्थित होगा, ऑक्सीजन क्या होगा प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, आपका अटेंडेंस लगते हैं, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये टूट जाएंगे, किसमें टूटेंगे, CO2 H2O और किसमें, एनर्जी में, ठीक। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो किसमें टूट जाएंगे, जल्दी बताइए, एथिल अल्कोहल में, किसमें टूट जाएंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होगा तो ये किसमें टूट जाएंगे, एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल में। यहां क्या होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट है यानी अनुपस्थित है, क्लियर। और तीसरी कंडीशन क्या हो गई, और क्या बनेगा इसमें, एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या, पानी, और क्या, लेस एनर्जी, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा, ठीक। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाता है कब, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा का वर्क करते हैं तो हमारी मांसपेशियां थकने लगती है, यानी वहां ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी नहीं हो पाती। याद करिए कि बाबा रामदेव कहते हैं शीर्षासन करिए, करने से होता है, आप शीर्षासन करिए, शीर्षासन करेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे होगा, एक बैग करेंगे तो आपका सर पटक जाएगा। तो क्या होता है, जब आप करेंगे तो जितने ब्लड का होता फ्लो आपके चेहरे पर आ जाता, तो आपके चेहरे में शाइनिंग आ जाती है। तो वो ये भी बात बताते हैं कि आपको शीर्षासन 5 मिनट करना चाहिए, 1 मिनट, 30 मिनट, 30 सेकंड, 40 सेकंड, जितना आप सह सकते हो उतनी देर तक शीर्षासन करिए। शीर्षासन करने के बाद आप एलोवेरा लगाइए, फिर आप अपने चेहरे की चमक देखिए। तो हम पहले वाले स्टेप को मिस कर देते हैं, दूसरा वाला स्टेप शुरू कर देते हैं, एलोवेरा तोड़ तोड़ लगाना और चेहरे चमक नहीं आती, कहते हैं बाबा रामदेव झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। तो आपको करना चाहिए, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप देखिए आपके यहाँ पे जो नस जाती है ब्रेन में वो खड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, या जब आप हाथ से कोई काम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कुछ उठा रहे होते हैं आपके हाथ की जो नसें होती है देखिए मोटी हो जाती है, यानी रक्त की सप्लाई बहुत तेजी से हो रही है, बहुत तेजी से उसमें रक्त दौड़ रहा है, जब तेजी से दौड़ेगा तो कहीं ना कहीं ज्यादा जगह चाहिए। उसी तरह जब आप दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त क्या होता है कि आपके पैर की नसें फूल आती हैं, ठीक है, मांसपेशियों में नस बहुत तेजी से रक्त दौड़ते हैं यानी ऑक्सीजन बहुत तेजी से पहुंचाया जाता है। लेकिन अगर आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं और आपके सांस लेने की क्षमता उसकी तुलना में कम है, आप दौड़े तो बहुत तेजी से लेकिन सांस लेने की क्षमता आपकी बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, आपको व्याकुलता तो महसूस हो रही है लेकिन आप सोच रहे हैं कि मुझे विनर बनना है और आप अपनी रेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यू आप दौड़ते हुए, हो सकता है कि आप विनर बन जाए लेकिन जाने के बाद आप क्या होगा बैठ जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं जिसे कहते हैं मांस का फटना, लेकिन मांस फटती नहीं है, बस उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, मांस में सप्लाई ना होने के कारण, ऑक्सीजन ना होने के कारण क्या बन जाता है, तो यहाँ पे आप जल्दी बताइए क्या बनता है, बताओ भाई कल बताए थे, लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, ठीक है, किसका निर्माण हो जाता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। अब यह लैक्टिक एसिड क्या काम करता है, आपके शरीर को थकाने का कार्य कर देता है, आपके शरीर पूरी तरह से थक जाती है। ऐसी स्थिति में कभी कभी लैक्टिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है तो आपको बहुत ज्यादा पेन होती है, स्वेलिंग भी आ जाती है आपके मांसपेशियों में, फिर आपको इसे गर्म पानी से सिकाई करना पड़ता है। जब गर्म पानी से आप उसकी सिकाई करते हैं तो क्या होता है, गर्मी पाकर के ब्लड का फ्लो बहुत तेजी से चलता है,
ठीक, तो जब तेजी से चलता है तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन आसानी से उस मांसपेशियों में भेजा जाएगा, और जब आसानी से मांसपेशियों में ऑक्सीजन भेजा जाएगा क्या होगा, आपको रिलीफ मिलती है, आराम मिलता है। इसीलिए कहा जाता है जब आपको कभी इस प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप जो ऑर्नामेंटल क्रीम्स आती हैं, जैसे कि जैसे मूव है, ठीक है, फास्ट रिलीफ है, अलग अलग आती कंपनी की ना, या कुछ आयल आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा उसको रगड़ना नहीं चाहिए बल्कि उसे लगा देना चाहिए। वो क्या करता है कि अंदर के सेंसेशन को थोड़ा सा गर्म कर देता है, ऊपर से तो आपको ठंडा महसूस होता है लेकिन उस सेंसेशन को गर्म कर देता है, और जब सेंसेशन गर्म होता है ब्लड का फ्लो तेजी से बढ़ जाता है, और जैसे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है वहां पे ऑक्सीजन आसानी से पहुंच जाता है, और आपको 5 से 7 मिनट जाते जाते राहत महसूस होने लगती। वही काम आपको गर्म पानी भी करता है जब आप सिकाई करते हैं, ठीक। तो मांसपेशियां जब क्रैम्प हो जाती है तो ये आपको वर्क करता है, ये काम आपको देता है। तो हमारा काम ये नहीं, हमको वो नहीं पढ़ना था, हमको ये पढ़ना था कि पाल्विक एसिड टूट करके 3 प्रकार के कंपोनेंट बनाती है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित होगा, आपसे एंड प्रोडक्ट पूछा जाता है क्या होगा ना, ऐसे दे देंगे, आगे रिएक्शन दे देंगे, इसमें लिख देंगे ऑक्सीजन उपस्थित अनुपस्थित, और इससे पूछेगा क्या बन रहा है, तो आपको ये सब चीजें भरनी पड़ती है। और कभी कभी ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस पेपर फ्लैट करके देखिए, 3 नंबर में पूछा गया है। सीबीएसई बोर्ड की बात करें, यूपी बोर्ड में भी 3 नंबर का प्रश्न आया, सिर्फ यही तीनों भर दीजिए, 3 नंबर ले लीजिए, और आसानी से ऐसे एक नंबर ऐसे नीचे लिखा रहता है, जैसे क्वेश्चन दे देता है कि नीचे दिए गए डायग्राम को पूरा करें, आपने पढ़ा होगा, पेपर देखा होगा कभी, तो ऐसे लिखा रहता है, और फिर उसका नीचे दे देता है कि निम्न दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनेगा, और तीसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जब हो हमारी मांसपेशियों में तब क्या बनता है। तो ये सेक्शन से आपको प्रश्न बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो हमने जो अभी तक पढ़ा, एक बार हम ओवरव्यू करते हैं, ओवरव्यू में आपको पता चलेगा कि जैसे हमने क्या पढ़ा, श्वसन, श्वसन में हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, और इस प्रक्रिया में हमें क्या होता है, 2 मिनट लगेंगे, सुन के पूरा जाइएगा। तो इस प्रक्रिया में हमें क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्वसन, कोष्ठी श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, ताओ भाई, आक्सी श्वसन कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, अनाक्सी श्वसन कहते हैं, आप लोग बोलते नहीं। आक्सी श्वसन का काम क्या होता है जल्दी बताइए, आक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी यहाँ पे कौन सा श्वसन हो रहा है, आप कहेंगे सर आक्सी श्वसन हो रहा है, कौन सा श्वसन हो रहा है, आक्सी श्वसन हो रहा है, और यहाँ पे कौन सा श्वसन हो रहा है, अनाक्सी श्वसन हो रहा है, अनाक्सी, अनाक्सी श्वसन हो रहा है, ठीक। अब देखिए मेरी तरह से आप मत लिख गई, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, ठीक, अनाक्सी श्वसन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो, और यहाँ पे राइटिंग पे खूब ध्यान दीजिए, राइटिंग बहुत जरूरी है, ठीक। अनाक्सी श्वसन किसमें हो रहा है, अनाक्सी श्वसन किसमें हो रहा है, मांसपेशियों में हो रहा है, किसमें हो रहा है, मांसपेशियों में हो रहा है। तो इस प्रकार से आपसे 3 प्रकार की चीजें बन गई, लेकिन आपको याद रखिए मैंने क्या बताया, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। देखिए ये भी अनाक्सी श्वसन है, बस खाली स्थान इसका परिवर्तित हो गया। तो अब आप लिखेंगे ऑक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सी श्वसन उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ता है, उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन में तोड़े गए ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक। अब आपकी लाइन बड़ी हो गई, फिर इसमें आ जाएंगे, लिखेंगे कि ऑक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन में तोड़े गए, अनाक्सी श्वसन जब हम अनाक्सी श्वसन की मुख्यता क्रियाएं उसमें पाई जाती है जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, जैसे कि यह मुख्यतः बैक्टीरिया में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने भोजन को तोड़ते हैं और एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड और लेस एनर्जी का निर्माण करते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे, अनाक्सी श्वसन मुख्यतः हमारी मांसपेशियों में, कभी कभी हमारी मांसपेशियों में ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा परिश्रम करने की वजह से हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है जिससे हमें थकान महसूस होती है। अब आपको ये चीजें पूरी तरह से क्लियर हो गई, कोई डाउट किसी को नहीं है, मुझे लगता है कि आपको ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब आगे की जो टॉपिक है वो हमारी है रिस्पायरेशन इन श्वसन, पादप में श्वसन, ठीक। अगली टॉपिक हमारी क्या है, पादप में श्वसन, उसे हम लोग कब पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे तो आसानी समझ में आएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे पादप में श्वसन, देखना ना बोले अपने दोस्तों को जरूर बता दीजिए, पादप में श्वसन। फिर उसके बाद दूसरी टॉपिक क्या होगी आपकी,
जंतुओं में श्वसन, फिर हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में श्वसन और श्वसन तंत्र, यानी आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरी चीजें मिलेंगी। जब आप हमको और हमारी भाषा को, हमारे शैली को आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, अभी आपको क्या लगता है पहली बार है, नए मिले हैं आपसे, तो आप हमारी शैली को, हमारे जो क्या कहते हैं प्रोफेशन होता है ना हर आदमी का काम करने का, तो उसे आप अच्छी तरह से अभी समझ नहीं पा रहे। जब आप उसे अच्छी तरह समझ जाएंगे तो हम लोग अपने क्लास की ड्यूरेशन डबल कर लेंगे और बहुत जल्दी कोर्स खत्म होगा, ठीक है। तो परेशान ना हो, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जाते हैं।